दोस्तों को फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। देखिए आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा बैडमिंटन खेलना, कि बैडमिंटन कैसे खेलते हैं। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे बैडमिंटन के रूल्स के बारे में। दोस्तों बैडमिंटन को दो अपोजिंग प्लेयर्स खेलते हैं, सिंगल्स या डबल्स में। ठीक है, बैडमिंटन का मकसद होता है शटल कॉक को अपने रैकेट से हिट करना, ताकि वो नेट के ऊपर से पास होते हुए कोर्ट की मार्क बाउंड्रीज के अंदर लैंड करे। दोस्तों जब आपका ओपोनेंट शटल कॉक को हिट करके वापस करता है तो लगातार तब एक रैली होती है। जब तक आप अपने ओपोनेंट को या ओपोनेंट आपको शटल कॉक बाहर या फिर नेट पर हिट करने को मजबूर ना कर दे। ठीक है, ऐसा करने पर देखिए एक पॉइंट मिलता है। आपको 21 पॉइंट्स चाहिए होते हैं सेट को जीतने के लिए। ओके, मैं आपको बता दूं बैडमिंटन खेलने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। आपको चाहिए बैडमिंटन कोर्ट, एक नेट और कम से कम दो बैडमिंटन रैकेट्स। बड़ा सवाल कि सबसे पहले कौन जीतेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। कॉइन टॉस ये तय करता है कि पहले कौन सर्व करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके रूल्स के बारे में। रूल नंबर 1, प्लेयर को सर्व करने के पहले वेट करना चाहिए जब तक उसका ओपोनेंट तैयार ना हो। रूल नंबर 2, प्लेयर्स को नेट के आर पार अपने ओपोनेंट को डायगनली सर्व करना होता है। रूल नंबर 3, जैसे जैसे पॉइंट्स जीते जाते हैं सर्विंग स्टेशंस भी एक साइड से दूसरे साइड मूव हो जाते हैं। रूल नंबर 4, अगर कोई प्लेयर अपनी बॉडी के लिए किसी भी पार्ट से या रैकेट से नेट को छू लेता है तो उसे फॉल्ट माना जाता है और ओपोनेंट को पॉइंट मिल जाता है। रूल नंबर 5, अगर शटल कॉक नेट को हिट करे या बाहर लैंड करे तो ओपोनेंट को पॉइंट मिल जाता है। रूल नंबर 6, सारे प्लेयर्स जब सर्व कर रहे हों तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के दौरान उन्हें अपने सर्विस कोर्ट्स की लाइन के अंदर ही होना होता है। रूल नंबर 7, अगर शटल लाइन पर लैंड करे तो कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर 8, सर्व आर्म या सर्वर की वेस्ट के नीचे ही होना चाहिए, आर्म के ऊपर सर्व अलाउड नहीं होते। रूल नंबर 9, खेल के दौरान प्लेयर अपनी मर्जी के हिसाब से कोर्ट के आसपास मूव कर सकता है। रूल नंबर 10, प्लेयर्स को शटल कॉक को प्लेइंग एरिया के बाहर से हिट करने की इजाजत होती है। रूल नंबर 11, बैडमिंटन में केवल सर्वर ही पॉइंट जीत सकता है। रूल नंबर 12, शटल कॉक को सर्व करने से पहले प्लेयर्स को गेम का स्कोर अनाउंस करना होता है, अपने टोटल पॉइंट्स बोलने होते हैं, उसके बाद अपने ओपोनेंट के टोटल पॉइंट्स बोलने होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि रैली क्या है। देखिए जब आप और आपका ओपोनेंट शटल कॉक को आगे पीछे हिट करता है ना, और कोई मिस कर दे और शटल कॉक ग्राउंड पर गिर जाए तो भाई उसको कहते हैं रैली। दोस्तों शटल कॉक को सर्व करने के बाद आपका ओपोनेंट कोशिश करता है कि नेट के ऊपर से आपको वापस करे। अगर वो मिस कर दे और शटल कॉक कोर्ट में गिर जाए तो आप रैली जीत जाएंगे और एक पॉइंट भी स्कोर करेंगे। सिंगल और डबल्स दोनों में रैली जीतने पर आपको सर्विस कोर्ट्स एक्सचेंज करने होते हैं। अगर आपका पार्टनर है तो भी प्लेसेस चेंज करिए। पहले सर्व करने के बाद अगला सर्व वो करेगा जो रैली जीतेगा। अगर आप पहला राउंड सर्व कर रहे हैं और पहली रैली जीत गए तो सर्विंग तब तक करिए जब तक दूसरा प्लेयर ना जीते। अब बात करते हैं LET क्या होता है। देखिए दोस्तों LET एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें रिप्ले की जरूरत होती है। इसमें शटल कॉक का बैट में फंसना, सर्वर के बिना टर्न सर्व कर देना, एक प्लेयर का रेडी ना होना या फिर बहुत ही क्लोज डिसीजन शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब एक बड़ा सवाल कि भाई बैडमिंटन को आगे कैसे जीते। देखिए जो प्लेयर 21 पॉइंट्स पहले स्कोर कर ले वो सेट को जीत जाता है। अगर स्कोर 20-20 पर टाई हो जाए तो देखना पड़ेगा कि किस प्लेयर को आगे दो क्लियर पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर पॉइंट्स फिर भी 29-29 पर टाई हो रहे हैं तो फिर अगला पॉइंट सेट का विनर तय करता है। बैडमिंटन गेम को जीतने के लिए प्लेयर को 3 खेले हुए सेट्स में से 2 को जीतना होगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको बैडमिंटन के रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अब आपको बैडमिंटन को सही तरह से खेलना आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज हमारी वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर कीजिए और कमेंट करें, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।